तो दोस्तों आज हमारे पास एक ओप्पो का हैंडसेट है जिसका मॉडल नंबर है ओप्पो A33 2020। तो ये जो है हमारा UFS चिप के साथ आता है। तो अभी जो है अनलॉक टूल और UMT में आप लोगों को पता ही है UFS चिप का, जो हम लोगों को पहले CPU ड्रिल करके करना पड़ता था वो अभी नहीं करना पड़ता है, USB से ही अनलॉक हो जाता है। तो ये जो ओप्पो A33 है इस सेट को हम लोग पहले अनलॉक टूल के साथ ट्राई करेंगे। अनलॉक टूल में इसका सपोर्ट भी दिया है A33 करके, आप लोग चेक करेंगे तो आप लोगों को दिखेगा। देखिए यहाँ पे जो है अनलॉक टूल में A33 का सपोर्ट है, लेकिन पहले हम लोग अनलॉक टूल में ट्राई करेंगे। अगर हमारा काम अगर फेलियर होता है तो देखेंगे हम लोग UMT में हमारा काम होता है कि नहीं। देखिए तो पहले हम लोगों ने सबसे पहले हमारा ओप्पो का टैब में जाके हम लोगों ने A33 जो है मॉडल है सिलेक्ट कर लिया है जो UFS के साथ आता है। और आने के बाद ये देखिए हमारा हैंडसेट है जो इस पर ऑलरेडी सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम लोग फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेंगे, और स्विच ऑफ करने के बाद दोस्तों इसका वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन दोनों बटन को एक साथ पकड़ के हम लोग जब इसमें USB इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो है आपका डाउनलोड मोड पे चला जाएगा। देखिए इसको करने के बाद ऑटोमेटिक ये जो है क्वालकम पोर्ट बनाएगा और हमारा जो टूल है हैंडसेट को डिटेक्ट कर लेगा। तो चलिए टूल ने जो है हमारा हैंडसेट को डिटेक्ट कर लिया है और हमारा फ़ोन जो है ADL मोड में चला गया है। तो अभी हम लोग देखेंगे ये जो प्रोसेस है सक्सेस होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों ये जो प्रोसेस है हमारा फेल हो चुका है। तो इससे पहले भी हमने बहुत बार कोशिश करके देखा है और क्वालकॉम टैब में भी हमने इसका फायर हाउस और लोडर लगा के भी ट्राई किया था, लेकिन उसमें भी हमारा अनलॉक टूल इसमें फेल हो गया था। तो अभी हम लोग UMT से ट्राई करेंगे इसको अनलॉक करने के लिए। तो चलिए दोस्तों UMT में प्रोसेस देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग UMT का जो QC फायर का 8.0 अपडेट सेटअप लेटेस्ट सेटअप है उसको ओपन कर लेंगे, और उसके बाद जो हमारा वीवो का जो स्पेशल टैब है उसमें जाएंगे, क्वालकॉम का जो स्पेशल टैब है उसमें जाएंगे, और वहाँ पे जाके हम लोगों को यहाँ पे मॉडल सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये 33 का ऑलरेडी सपोर्ट दिया गया हुआ है, तो वहाँ से हम लोग मॉडल सिलेक्ट करेंगे और इस सेट को हम लोगों को पैटर्न इरेज करना है। तो फैक्ट्री सेट में क्लिक करके सेम प्रोसेस से ADL मोड में कनेक्ट करेंगे हैंडसेट को। तो देखिए दोस्तों हमने वॉल्यूम अप एंड डाउन की दबा के ADL कनेक्ट कर दिया है, और UMT टूल ये ADL में जाने के बाद इसको डिटेक्ट कर लेगा। थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए दोस्तों हमने फिर से इसको ADL में कनेक्ट किया और थोड़ी देर वेट करेंगे। देखिए ड्राइवर लिस्ट जो हमारा रिफ्रेश हो चुका है, टूल भी हमारा हैंडसेट को फाउंड कर चुका है। तो थोड़ी देर वेट करेंगे और देखेंगे क्या UMT हमारे काम को सक्सेसफुली कर पाता है या नहीं। तो देखिए दोस्तों UMT टूल जो है हमारे काम को सक्सेसफुली कर चुका है और हमारा जो सक्सेस रिपोर्ट आ गया है और हमारा सेट भी रिबूट कर चुका है। तो अभी थोड़ी देर वेट करेंगे और हमारा हैंडसेट जो है ऑटोमेटिकली इरेज होगा, इसका यूज़र एरिया जो है ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होगा और इसका जो पैटर्न लॉक और FRP है वो निकल जाएगा। तो थोड़ी देर वेट करेंगे, देखिए फॉर्मेट हो रहा है, अभी सेट रिबूट करेगा फॉर्मेट होने के बाद और हमारा पैटर्न जो है वो निकल जाएगा और FRP भी निकल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो हम अपने चैनल में देते रहेंगे। अगर आपको भी पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भूलिएगा मत। तो चलिए आज इस वीडियो के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफिज़, अलविदा दोस्तों।